नमस्कार दोस्तों, 2021 जाने को है और 2022 जो है आने को है। कुछ ही दिनों में न्यू ईयर आने को है, तो लोगों के मन में जो है ये 2021 कैसा गया, ये सब बातें घूमती हैं। आज आप लोगों को बताने आया हूँ कि 2021 में क्या क्या खास हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ। शुरुआत करने आया हूँ एक ऐसे ब्रांड से, एक ऐसी जगह से जहाँ पर बहुत से लोगों ने अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, हांसी की एकमात्र सबसे फेमस और सबसे पुरानी दुकान सांझा चूल्हा चाप वाले। आप लोगों को बता दूँ आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। जो लोग ये वीडियो बाहर से देख रहे हैं, हांसी के बाहर से, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पर भीड़ जो है आप लोगों को हालांकि अभी दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर पैकिंग का इतना काम होता है क्योंकि इनका टेस्ट जो एक बार चख लेते हैं ना, उनकी क्या बात है, मतलब उनके मुंह से ही बयां कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त यहाँ पर आपसे बातचीत करेंगे, यहाँ के ओनर से उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कितनी पुरानी दुकान है और क्या सिस्टम चल रहा है और क्या क्या स्पेशलिस्ट हैं। और जो लोग बाहर से देख रहे हैं, अगर आप हांसी आ रहे हैं तो एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ की चाप और यहाँ की एक और चीज़ फेमस है, वो मैं नहीं बताऊँगा, ये खुद बताएँगे कि आखिरकार वो क्या चीज़ है, वो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं, हमारे जो ओनर हैं, छोटे ओनर, बड़े ओनर यहाँ बैठे थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो भाई छोटे ओनर से मिलने से पहले दोबारा से यहाँ पर जो है बड़े ओनर आ चुके हैं, वेदू अंकल हमारे साथ है। हांसी के ऐसा चेहरा जो सभी ने देखा होगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ पर आते हैं। कैसे हो अंकल जी? बढ़िया जी। आपकी दुकान पे वीडियो बनाने आया, आपकी दुकान जो बहुत से लोग थे जो कहते थे स्पेशल बताओ हांसी में क्या है, तो चाप बता रहे हैं, हांसी की स्पेशल चाप। हमारी हरियाणा के अंदर चाप लाने वाले हम हैं। हरियाणा में चाप लाने वाले आप हैं? हाँ। क्या बात है, मतलब हांसी एक चीज़ के लिए और स्पेशल हो चुका है, एक ऐतिहासिक तो है ही है, साथ में एक चीज़ के लिए और स्पेशल हो चुका है। हरियाणा में जब चाप आई थी, पहली अपनी दुकान पर आई थी, पक्का है? पक्का पक्का। कितने, कौन सा सन था वो, कौन, कितना समय हो चुका है? 2005 में। 2005, 16 साल हो गए। तो आगे बातचीत करनी है आपके लड़के से करें, आपसे करें? बेटे से करो। सारी बागडोर दे दी है, तू संभाल, कमा भी तू, रात को पेमेंट ले लेते हो, उसी को दे देते हो, वही कमाए और खाए। क्या बात है, क्या बात है। तो चलते हैं, बात करते हैं साहिल भाई से, बात करेंगे। साहिल भाई कैसे हो? ये देख लो फटाफट, ये होता है काम, मतलब बढ़िया भाई, बढ़िया, थक चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन भाई पैसा आ रहा है, चीजें देख लो आप फटाफट ऑर्डर, ये देखो। अच्छा, आप स्विगी जोमेटो पे भी हैं? हाँ बिल्कुल, जोमेटो पे, स्विगी पे, दोनों पे, दोनों पे हैं। अपनी खुद की होम डिलीवरी? खुद की होम डिलीवरी भी है, दोनों की भी है, खुद की भी है, स्विगी भी है, जोमेटो भी है, खुद की होम डिलीवरी है, मतलब कहीं से नहीं छोड़ना, कस्टमर कहीं से आ जाए उसको पकड़ लेना है। बिल्कुल पकड़ है ना, चुंबक ले रहे फटाफट है। बिल्कुल। तो कितनी देर लगेगी आपको फ्री होने में, आपसे बातचीत करनी थोड़ी सी? अभी चलो, अभी चले, अभी चलो अंदर चलते हैं, कुछ लगवा दो यार, हमारे लिए भी कुछ खा पी लेंगे। एक मलाई लगा दे। अपनी स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल स्पेशल तो ऐसा सारा का सारा कुछ स्पेशल ही है भाई, ये तो। मतलब मार को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, स्पेशल तो ऐसा है, सारा कुछ है, पर ज्यादा मलाई चाप स्पेशल है। अच्छा, एक और चीज स्पेशल है यहाँ, रोटी कौन सी फेमस है? रोटी, प्याज की रोटी। तो वो प्याज की रोटी में ऐसा क्या खास है कि यहीं से क्यों लेकर के जाते हैं, बच्चे तक, छोटे से लेकर के बड़े तक, वो प्याज की रोटी अगर किसी ने नहीं खाई इसी में तो आपने क्या खाया, खास तौर पे ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन ये चेहरा है ना, एक बार भाई चेहरा दिखाइए, आए हाय 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 हाय, ये चेहरा एक बार देख लीजिए। आपने पता है कहाँ देखा होगा, एक लॉज ओपन हुआ था, स्टार इन लॉज, छोटी सी उम्र में ओपन करने वाले स्टार इन लॉज के मालिक इस वक्त मेरे साथ है, छोटे मालिक है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है ना। तो चलिए अंदर चलते हैं, बातचीत कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ना, जाने से पहले उनसे बातचीत करेंगे। सर कितना समय हो गया यहाँ पर चाप खाते हुए? मेरे को सर, मेरा यही पड़ोस में घर है, मेरे को कम से कम 10 से 15 साल हो गए सर। कैसी लगती है, अगर टेस्ट कैसा लगता है? मैं कहता हूँ चाप हांसी शहर में बहुत है, लेकिन इसे नीचे नीचे देखिए, हांसी में इसे नीचे नीचे देखिए, कहीं बाहर की भी खाई होगी? बाहर की भी याद आता है कि हांसी की खानी है? मैं कहता हूँ चाचा अपने शहर में चाप खाई, लेकिन चाचा की चाप से नीचे नीचे खाई है। अच्छा, मामा की चाप, चाचा की चाप, ऐसे ही चल रहा है नाम तो। बिल्कुल जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी भी दुकान पास में ही है, हालांकि आपकी बहुत फेमस दुकान है, कैसा लगता है टेस्ट? भाई साहब लाजवाब टेस्ट है, चाचा तो हमारा लाजवाब ही है। आपका भी चाचा है सर? बिल्कुल चाचा। सर उम्र छुपा रखी है आपने, मैं भी चाचा बोल देता हूँ, ये भी चाचा बोल देते हैं, मतलब सब चाचा बोल रहे हैं आपको है। हाँ, उम्र छुपा रखी है बिल्कुल, 55 साल की उम्र है। 55 की होगी? हाँ। देख लो, लगते नहीं है 55 साल के, क्या बात है, ये होता है पैसों का राज ये है सर, पैसों का राज, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं साहिल भाई फटाफट से, भाई आप कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हो? यहाँ पर 10-11 साल हो गए। 10 साल से? हाँ। कैसी लगती है चाप? चाप बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। हांसी में और जगह भी खाई होगी, हिसार में भी खाई होगी? हाँ, हिसार में भी खाई है, पर यहाँ वाला जो टेस्ट है वो कहीं पर नहीं है। अच्छा। हाँ, क्या बात है। कौन सी चाप सबसे स्पेशल लगती है उनको ज्यादा पता? रेड शर्ट वालों को ज्यादा। रेड शर्ट वालों को सर एक बार तो आना पड़ेगा, एक बार फटाफट फटाफट। आपका नाम दिया है, क्या नाम है सर आपका? गौरव। गौरव कहाँ, हांसी से ही है सर? हांसी से ही। कौन सी चाप सबसे स्पेशल लगती है मेरे को? इसकी मलाई चाप बहुत बढ़िया लगती है। मलाई चाप के साथ ना मैंने चिकन का कंपेयर किया, मैं पैक मार रहा था,
मेरे को इसके साथ खाने में जो मजा आया किसी चिकन के साथ नहीं आया। कहीं बाहर भी खाते हो गए, याद आती है सर ये वाली चाप? इसके साथ चंडीगढ़ गया था, वहाँ खाई थी जीरो। ये जो मलाई चाप है ना, इसी के साथ ही गए थे सर? हाँ जी, हाँ जी। तुम बाहर की चाप भी खिला देते हो यार अपनी दुकान से? ऐसे चंडीगढ़ गए थे वहाँ पे, हमने टेस्ट ट्राई करना, हमने वहाँ पे शॉप खोल रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, वहाँ पे शॉप खोल रहे हैं तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या बात है, ब्रांचेस खुल रही है, आसी वालों खोल रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो वहाँ पे चंडीगढ़ ट्राई करने गए थे। वहाँ पे चाप का टेस्ट दिखा और यहाँ के कम्पेयर में कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सर आपको कैसे लगती है चाप? बहुत बढ़िया सर जी, अब खाना खा रहे हैं। अभी देखो भाई दादरी से आया हुआ स्पेशल। कौन से? चरखी दादरी से आया हुआ है स्पेशल खाना खाने के लिए। दादरी से भी आए यहीं का खाना खाने के लिए स्पेशल? क्या बात है भाई, यहाँ पर दादरी का, दादरी से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है सर। कहाँ गए वो भाई साहब? नहीं नहीं, आपसे ही पूछ रहा सर, आपके क्या लगते हैं सर, ये आपके भी चाचा ही? हाँ जी, हाँ जी, सबके चाचा हैं, जगत चाचा हैं ये, जगत चाचा है, जगत चाचा, इनका नाम रख दिया गया जगत चाचा वाले चाप। साहिब भाई फटाफट से अंदर आ जाओ। सर दादरी से कौन है? ओहो क्या हाल है सर, क्या बात है, इस वक्त हमारे साथ बहुत से लोग हैं, हालांकि शक्ल दिखाने से मना कर दिया। दादरी में ऐसा कहीं नहीं मिला आपको? नहीं। तो स्पेशल चाप ही खाने आते हैं, कौन से चाप खाने आए हैं? मैंने चाप ली है वो मलाई चाप कढ़ाई। ये खत्म कर चुके हैं मतलब हम सब कुछ, ये सारी चीजें हम खत्म कर चुके हैं। केशव भाई ये दिखा दो, ये देखो ये सारी चीजें हम खत्म कर चुके हैं। अभी और आ रहा है, और आ रहा है ना, अभी आ रहा है एक प्लेट यहाँ से आ रहा है बिल्कुल। ये भी अभी खत्म करनी है हमने, तो अभी हमारा खाना भी आ रहा है, फटाफट बातचीत करें। साहिल भाई आ जाओ यार, थोड़ा सा समय दो। ये देखिए रश, देखिए एक बार रश, देखिए एक बार आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये देखिए मतलब बहुत मजेदार। तो बैठते हैं बातचीत करते हैं, ये टेबल आप रिजर्व कर लें। चलिए तो भाई बैठ चुके हैं टेबल पर और खाना कुछ ही देर में आने वाला है। और साहिल भाई हमारे साथ, छोटे ओनर, मैं छोटे ओनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके फादर साहब अभी हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारा कुछ मैनेज इसके फादर ही करते हैं, लेकिन काम में हाथ जो है साहिल भाई बटाते हैं। तो साहिल भाई कितने टाइम से ये शॉप है अपने पास? अपने पास 16-17 साल हो गए। चाप भी आ चुकी है, क्या बात है, 16-17 साल हो चुके हैं। हाँ जी, 16-17 साल से इसी शॉप पर ही हैं, इससे पहले कहीं हमने चेंज भी किया? 7-8 साल तो यहाँ हो गए हैं। 16-17 साल टोटल हो चुके हैं 2005 से लेकर के। तो चाप का ही क्या सोचा कि आपके फादर ने कि चाप ही करना, और भी बिजनेस बहुत सारे थे। तवा चाप थी जो, और एक मसाला चाप होती थी पहले, मलाई चाप तो कुछ थी नहीं पहले, उस टाइम थी नहीं। तो चाप तो अभी 10 साल से पहले, 10 साल के अंदर अंदर में आई है मलाई चाप, ट्रेंड में ये आया। मतलब पहले मसाला चाप थी ओनली, मसाला चाप, तवा चाप और कोई चाप नहीं। अब आप चंडीगढ़ जा रहे हो? बिल्कुल। हांसी वाला को छोड़ के? नहीं नहीं, यही है, हम ब्रांच खोल रहे हैं हम तो। अच्छा, वहाँ ब्रांच खोल रहे हैं, मतलब इतने पैसे से पेट नहीं भर रहा, वहाँ जाके और पैसे कमाने हैं हमने। पैसा तो जितना हो सके उतना कमाओ। क्या बात है, लो इन्होंने खोल लिया चाप की दुकान, इन्होंने खोल लिया और ब्रांच ये खोल रहे हैं। तो भाई पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी, तो ये हमारे पे भी दया कर लेंगे थोड़ी सी, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, चाप टेस्ट करेंगे। गौरव भाई इधर आओ, हम टेस्ट तो बाद में करेंगे, इधर बैठो, ये चाप टेस्ट करके बताओ कैसी चाप है, और ऑनेस्ट रिव्यू ठीक है। एक ये उठाई, ये चटनी में डुबोनी नहीं है, कैमरे में देखा, बहुत बढ़िया, पक्का एक नंबर। अब मैं करता हूँ, चार बटर टेबल, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए शुक्रिया भाई आपका जुड़ने के लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये चाप अभी हम खाने वाले हैं, और यहाँ चाप में लगभग पता नहीं कितने सालों से, लेकिन बहुत समय से खा रहा हूँ, और इस चाप का टेस्ट जो मुझे लगता है ना, हांसी में मुझे लगता है कम से कम ऐसी चाप कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। एक आवाज में बोलो, है नहीं है, क्या बात है, दादरी वाले भी बोल रहे हैं कहीं नहीं है, देख लो सर, क्या बात है। ना अपना रिश्तेदार है स्पेशल भाई, घर पे खाना इसकी बहन की डांट दिलवाएगा आज ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेरे को खाना बाहर खाना। आज खुश तो बहुत हो गए तुम? बिल्कुल खुशी है। अच्छा ये तो दादरी से आए, वैसे कोई बाहर से आकर के बताता है? ऐसे भैया हिसार से, फतेहबाद से, भिवानी से, रेवाड़ी से, दिल्ली से, इतने लोग आते हैं हमारे पास खाना खाने। स्पेशल स्पेशल आओ आओ बैठो बैठो सर। इन्होंने खूबियां तो बहुत बता दी, इनकी एक कमी है, जिस दिन करवा चौथ हो ना, इनको 4 बजे दोपहर को रोटी बोलनी पड़ती है, तब जाके 8-9 बजे मिलती है। तो ये तो अच्छी बात है सर। तो हमारे लिए तो दिक्कत है ना, इनको बढ़ाना चाहिए। अनमैरिड है, सिस्टर तो है,
अगर 4 बजे आप करवा चौथ वाले दिन मैरिड में रोटी खा लो ना, आपकी घरवाली आपको छोड़ेगी नहीं। मानते हो बात? चलिए शुक्रिया भाई बात करने के लिए। तो आप लोगों को अभी टेस्ट करके बताएंगे साथ में सिरके वाले प्याज। ओए साहिल भाई शुरू करो, करो स्टार्ट करो सर। ना शुरू करो सर, पहले आप चटनी में डुबो के। चटनी में डुबो के सिरके वाला प्याज बाद में। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी यहाँ पे आया तो अच्छा ही बताएगा सब कुछ, लेकिन सचमुच यार ये चाप जो खा रहा है ना, मैं खा रहा हूँ, ये भाई खा रहे हैं और जो खा रहे हैं, उन्हीं से पूछो कि क्या टेस्ट है। मतलब दादरी से, फतेहबाद से, दिल्ली से अगर कोई आ रहा है ना तो सोच समझ के आ रहे हैं कि इतना पेट्रोल लगा करके ये कोई चीज़ है। आपने भाई एजुकेशन की अगर बात करूँ तो क्या किया हुआ पढ़ाई में? एजुकेशन में 12th करी है, 12th के बाद में चला था क्या नाम चंडीगढ़ में मैंने VFX एनिमेशन कोर्स किया था। तो उस टाइम क्या था कि मेरी जॉब लगी थी बैंगलोर, तो पापा ने क्या कहा अपना रेस्टोरेंट संभालो। मतलब लगभग 16 साल में आपने कब से काम संभालना शुरू कर दिया था? मैंने 2.5-3 साल से काम और काम इनके बड़े बड़े, मतलब ऐसे ऐसे काम कर दिखाते हैं। ये चाप जो है ना, ये आपको बनानी आती है खुद वैसे? नहीं, मतलब सब कुछ मैनेज कर लेते हैं बिल्कुल। तो इतने टाइम से आप यहाँ रह रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ पता चल चुका होगा क्वालिटी का, क्वांटिटी का। ऐसा कहा जाता है कि चाप जो है ना दिल्ली की बहुत अच्छी होती है। दिल्ली से चाप ही आती है हमारी, स्पेशल दिल्ली से चाप आती है। दिल्ली से चाप आती है, एक दिन छोड़ के चाप डेली आती है। जो नहीं बात करियो, फोन पे बात कर लेना ऑर्डर क्या है। स्पेशल दिल्ली से चाप आती है, एक दिन छोड़ के। अच्छा, चाप आती है वहाँ से कच्ची चाप आएगी, फिर यहाँ के बॉयल होकर फिर बाद में बनेगी यहाँ पे आएगी। अच्छा, मतलब एक दिन अगर दिल्ली से आएगी तो 2 दिन का स्टॉक आप एक साथ मंगा लेते हैं और उसी में आप वो करते हैं फिर। मतलब बहुत अच्छी बात है। हांसी में चाप की शॉप है, मैं आप लोगों को बता दूं, दिल्ली से हांसी का डिस्टेंस लगभग 150-200 किलोमीटर है। 150-200 किलोमीटर दूर से चाप स्पेशल मंगाई जाती है और यहाँ पर दी जाती है और टेस्ट लाजवाब अल्टीमेट। ये देखिए, हालांकि सर्दियों का वक्त है, ये सामने खुशबू इतनी आ रही है ना, वो कह रहे खाओ हमें, तो हम लोग अभी शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जो लोग बाहर से चाहे हिसार से देख रहे हैं चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ, सांझा चूल्हा एक ऐसी दुकान, एक ऐसा नाम जो हांसी का कम से कम बच्चा जानता है। और मैं ये सच बोल रहा हूँ कि छोटे से लेकर के बड़े तक प्याज की रोटी यहाँ की इतनी फेमस, मलाई चाप इतनी फेमस, आप लोग जरूर टेस्ट कर सकते हैं। और एड्रेस जो लोग पूछ रहे हैं, साहिल भाई एड्रेस क्या है एक बार प्लीज बताएं। एड्रेस भी है साना चुल्ला उमरा गेट हांसी, हरियाणा पेड़ा भंडार के अपोजिट। हरियाणा पेड़ा भंडार एक और फेमस चीज, हरियाणा पेड़ा भंडार एक बहुत फेमस दुकान है, उसके जस्ट सामने सांझा चूल्हा के नाम से शॉप है। नंबर जो लोग पूछ रहे हैं, नंबर भी साहिल भाई अभी बताने वाले हैं। नंबर बताओ भाई। 7056576145 और अल्टरनेट नंबर 9812582482। ये 2 नंबर है स्क्रीन पर, मैं नीचे फ्लैश कर रहा हूँ, और इन नंबरों पर आप फोन करके ऑर्डर भी दे सकते हैं। हाँ, ऑर्डर दे सकते हैं, डिलीवरी करवा देंगे, सब है, डिलीवरी भी करवा देंगे, सब है। जोमेटो स्विगी से भी हो जाता है और हम खुद भी डिलीवर करवा देते हैं, मतलब हर चीज़ से। आपको सिर्फ फ़ोन करना है, उस वक्त खाली आपका फ़ोन वेस्ट नहीं जाएगा, आपको हर चीज़ मिलेगी। अपने पास है क्या क्या इस वक्त? अपने पास चाप है, प्याज की रोटी है, सब्जी है और नान है, स्टफ नान, प्लेन नान, बटर नान सब है। और चाप में कौन कौन सी वैरायटी है? चाप में है मलाई चाप, क्रीम चाप, अफगानी, पुदीना, लेमन मसाला, अचारी, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, मलाई पनीर टिक्का, सारी एक टाइम में अभी अपने पास अवेलेबल है। हाँ 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 बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या बात है, सारा मतलब खत्म कर दो। चाप में कम से कम भी 9-10 तरह की वैरायटी है। 9 से 10 तक की वैरायटी। और टोटल अगर पनीर टिक्का वगैरह सब कुछ मिला ले कितनी आइटम्स बनती हैं? 13 आइटम है। 13 आइटम्स बनती है, 13 आइटम तंदूर की, और स्पेशल अपनी मलाई चाप है और प्याज की रोटी है, दो चीज़ें। मतलब अगर आप लोग आ रहे हैं ना तो ये 2 चीज़ें तो जरूर टेस्ट कीजिए। पनीर में है कढ़ाई पनीर स्पेशल। अच्छा, कढ़ाई पनीर की डिमांड है। अब एक चीज़ कहूँ मैं ना, थोड़ा सा ना अपने ऑडियंस के लिए ना बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अब वो डिस्काउंट की पूछ रहे होंगे, आपकी वीडियो देख कर आ रहे हैं, शेयर भी कर दी, लाइक भी कर दी, अब कुछ डिस्काउंट दो। डिस्काउंट हालांकि आप लोगों के फिक्स रेट है मैं जानता हूँ, और पिछले लगभग इतने सालों से इनके फिक्स रेट चल रहे हैं, किसी के लिए भी चाहे कोई आ जाए सबके लिए एक रेट है, चाहे ये खुद अपने घर लेकर के जाए ना, अपने घर से भी पैसे लेते हैं ये, ऐसा है ना? ऐसा नहीं है, चलो वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो
कुछ तो डिस्काउंट देना बनता है यार। जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर बड़े ऑर्डर पे डिस्काउंट अपने कर देते हैं उस टाइम। ना ना ना, हाँ या ना में बताओ कि अगर गुफ्तगू की वीडियो देखकर आते हैं तो कुछ डिस्काउंट है? हाँ बिल्कुल डिस्काउंट है। कितना करेंगे? 10% कर देंगे, जो बड़ा ऑर्डर होगा 10% डिस्काउंट कर देंगे। 10% डिस्काउंट कर देंगे भाई, कोई बड़ा ऑर्डर लेने वाला हो तो भाई ये वीडियो शेयर कर देना। बिल्कुल बड़ा ऑर्डर डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मिलने वाला है साझा चूल्हा पर। और आप लोगों को कह दूं ये ऑफर कितने टाइम के लिए? नए साल तक रखते हैं, नए साल तक, ठीक है? 1 जनवरी के लास्ट 12 बजे तक। हाँ हाँ ठीक है, 1 जनवरी के 12 बजे तक अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हैं और गुफ्तगू की वीडियो शेयर करते हैं और यहाँ पे फोन करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। बाकी मैं संभाल लूंगा इनको, आप बड़ा ऑर्डर रखो छोटा ऑर्डर रखो मैं देख लूंगा वो, ठीक है? तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोग भी खत्म करते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको भूख लग चुकी है तो उमरा गेट पहुंच जाइए फटाफट से, हंसी वाल कम से कम। और हिसार वालों को कहना चाहूंगा यहाँ आकर के ये टेस्ट जरूर कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारी चाय कितनी जबरदस्त है। जल्द आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।